मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे का दूसरा दिन विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में सीएम भजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक की। तस्वीरें दिखाएंगे जहां मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ चर्चा भी की। भरतपुर शहर के किले से बिहारी जी मंदिर में दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यालय में अब जनसुनवाई करेंगे। सर्किट हाउस में भाजपाइयों से मुलाकात का कार्यक्रम। दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो बेहद खास ये तस्वीरें, क्योंकि आप कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, आप अपना रूटीन नहीं भूलते हो, और वो भी खासकर जो आपकी सेहत से जुड़ा हो, जिसमें जनता को एक संदेश जाता हो। तो यहाँ पर भी राजधानी जयपुर में भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है जब कभी भी औचक निरीक्षण के लिए या दौरे पर मुख्यमंत्री देर रात को या सुबह निकल जाते हैं, और मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें भी आपको जयपुर से सामने दिखाई। लेकिन अब ये भरतपुर की तस्वीरें, लेकिन दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की सुबह की शुरुआत दरअसल विश्वप्रिय शास्त्री पार्क से हुई, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की जो उस वक्त वहां पर मिले। भरतपुर शहर के किले स्थित बिहारी जी मंदिर में भी अब दर्शन करने का कार्यक्रम है, और इसके अलावा जनसुनवाई कार्यालय में भी जनसुनवाई करेंगे। सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। रवि, ये तो साफ हो गया कि आप किसी भी जगह पर हो और अगर आपका कोई रूटीन है जो कि सेहत से जुड़ा है, आप उसे बिल्कुल नहीं भूलते हो, और खासकर जब जनता में भी एक संदेश जाता हो, और जब आप एक बड़े ओहदे पर हो तो संदेश जो है बहुत दुगना तिगुना बड़े विस्तार से जाता है। आज की सुबह की तस्वीरें भी वही रही, और एक और खास बात आपसे जानना चाहेंगे, जन सुनवाई का कार्यक्रम भी वैसे ही चलेगा जैसे कि जयपुर में चलता है। ऐसे में जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो उनके अपने लोग हैं, उनमें बेहद उत्सुकता होगी। पूरे कार्यक्रम की आज जानकारी दीजिएगा। रवि, क्योंकि मंदिर की घंटियों की गूंज इतनी ज्यादा है, भक्ति भाव इतनी ज्यादा है, श्रद्धा इतनी उमड़ी है कि आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, लेकिन आपकी भावना को, आपकी जानकारी को हम समझ पा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जब अभी आरती समाप्त हो जाएगी, उसके बाद यहां पर जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आएंगी, उसकी जानकारी हम आपसे ले पाएंगे, दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे जानकारी लेनी है। लेकिन तब तक एक बार फिर से उस खास तस्वीर को दिखा देते हैं जो आज भरतपुर से निकल कर आई, ना जाने कितने लंबे वक्त के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, जब एक बार फिर से मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं भरतपुर में। और ये इलाका जो है, दरअसल ये माना जाता है विश्वप्रिय शास्त्री पार्क, जहां पर मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा एक बार फिर से मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। और इससे पहले भी कई बार मॉर्निंग वॉक की होगी, लेकिन वो इतना खास नहीं था। खास इसलिए क्योंकि आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, साथ में आप काफिला देख सकते हैं, उनके साथ साथ चलता, उनके सिक्योरिटी के मद्देनजर, उनके साथ के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, इसीलिए ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। और इसके अलावा जो वहां पर स्थानीय लोग थे, उनसे भी चर्चा की, बेहद खुश नजर आए स्थानीय लोग। अब जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त बिहारी जी मंदिर में दर्शन के लिए निकलेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और फिर जनसुनवाई कार्यालय में जनसुनवाई का कार्यक्रम भी है। ये भी अपने आप में बेहद खास रहेगा, क्योंकि जो वहां के लोग हैं, क्योंकि गृह जिला माना जाता है भरतपुर का, मुख्यमंत्री का गृह जिला है। इसके अलावा जो पैतृक उनका गांव है अटारी, वहां से भी काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे आज जनसुनवाई के दौरान, जो उनकी समस्याएं हैं। क्योंकि बाकी अगर हम राज्यों जिलों की बात करते हैं तो उनमें विकास जो है वो भरतपुर से कहीं ज्यादा है। भरतपुर में विकास हो, कई इस तरीके की समस्याएं हैं जो अब हो सकता है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि एक मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी यही कोशिश रहेगी। उस इलाके से हैं, इसलिए उनकी कोशिश होगी कि जो वहां के लोग हैं, हालांकि सभी प्रदेशवासी उनके अपने हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुखिया हैं वो पूरे प्रदेश के, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहेगा, और कोशिश रहेगी कि यहाँ की जो समस्या है जो बाकी जिलों में दुरुस्त है, यहाँ पर भी की जाए, इसकी कोशिश होगी। और लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे, समाधान यहाँ पर होगा। सर्किट हाउस में भाजपाइयों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है, भाजपाइयों में भी बेहद उत्सुकता है, क्योंकि लंबे समय से वो उनके साथ रहे हैं, और कोई एक दोस्त के रूप में मिलेगा, कोई कार्यकर्ता के रूप में मिलेगा, कोई समर्थक के रूप में मिलेगा, और आज वो जब भजनलाल शर्मा से मिलेंगे तो वो एक मुख्यमंत्री होंगे, वो भाजपाई जिन्होंने लंबे वक्त से इनका साथ दिया है। भरतपुर में शुरुआत उन्होंने उनके साथ की है,
डेढ़ बजे का एक कार्यक्रम, हेलीकॉप्टर से फिर जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कल का दिन भी बेहद खास रहा, आज दूसरा दिन है, आज दूसरे दिन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे उस मंदिर की भी जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचकर दर्शन करेंगे। भरतपुर शहर के किले में स्थित बिहारी जी का मंदिर है, बेहद मान्यता, लोगों की आस्था, दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। अभी आरती चल रही है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब मुखिया वहां पर पहुंचेंगे दर्शनार्थ के लिए। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, आज सुबह की है, जब सुबह सुबह सब रजाइयों में दुबके हुए थे। ठंड का मौसम चल रहा है, मावट चल रही है, भरतपुर जिला भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन जब मुखिया वहां पर है तो मानकर चलिए कि कुछ खास होने जा रहा है, कुछ खास महत्वपूर्ण तस्वीरें ही निकल कर आएंगी और वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल विश्वप्रिया शास्त्री पार्क में आज सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक करते नजर आए, अपने सेहत के प्रति जागरूक, लोगों को भी जागरूक करने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रवि कटारा से योगी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रवि, आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जानकारी भी दे रहे थे, एक बार फिर से आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, पूरब थोड़ी देर में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे और जो पूजा अर्चना है वो की जाएगी। पूजा अर्चना करने के बाद, बिहारी जी के दर्शन करने के बाद सीधे मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है कि वे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद जनसुनवाई करने का भी उनका कार्यक्रम है। भरतपुर में जनसुनवाई केंद्र खोला गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रदेश मंत्री है गिरिधारी तिवारी, वरिष्ठ नेता, उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का यहाँ आने का कार्यक्रम है और आगे के जो कार्यक्रम है, बीजेपी मुख्यालय में भी जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। अभी फिलहाल देव दर्शन का कार्यक्रम है, बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके उपरांत पूरे संभाग के हमारी समन्वय समिति होती है, उसमें जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सांसद, एक लगभग 200 कार्यकर्ताओं की बैठक बीजेपी के कार्यालय में है। उसके उपरांत पूरे जिले के कार्यकर्ता ERC पर धन्यवाद देने के लिए बिरला ऑडिटोरियम में उनको धन्यवाद देंगे कि भागीरथी प्रयास हुआ है, इस पूर्वी राजस्थान प्यासा था, उसको पानी उपलब्ध हुआ है। उसके बाद में कुछ सेलेक्टेड लोगों से बात, सर्किट हाउस में बात करेंगे और जन सुनवाई केंद्र का भी विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम अभी बने हुए हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी राजस्थान में आए, बड़ी भारी सौगात भरतपुर को मिलने वाली है। इससे बड़ी सौगात कुछ हो नहीं सकती कि ERCP का मुद्दा, जो बहुत लंबे समय से घर में ज्वलंत मुद्दा था, उसको आज हमारे भरतपुर की जनता बहुत खुशी महसूस कर रही है और धन्यवाद दे रही है मुख्यमंत्री जी को कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो साफ तौर पर ये बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री को बड़ी संख्या में जो लोग आज धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और जो UIT के ऑडिटोरियम है वहाँ जो ERCP को लेकर मुख्यमंत्री ने MOU साइन किया, उसको लेकर आज पूरे भरतपुर के आसपास के जिले के लोग में पहुंचने वाले और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी मुख्यालय में समन्वय समिति की बैठक रखी गई है। अभी प्रदेश मंत्री जो है गिरिधारी तिवारी, उन्होंने बताया कि सभी लोग जो है वो मौजूद रहेंगे, करीब 200 जो नेता है भाजपा के इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके बाद ERCP का धन्यवाद ज्ञापित होगा, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र जो भरतपुर में खोला गया है उसका विधिवत उद्घाटन जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बेहद खास होगा, यहाँ पर भी जनसुनवाई केंद्र खोला गया है ताकि जनता अपनी समस्याएं सीधी मुख्यमंत्री से कर सके। बेहद कम ऐसा होता है जब संवाद सीधा हो एक मुखिया के बीच में और जनता के बीच में। अब भरतपुर के बारे में जानते हैं क्योंकि आप बेहद करीबी से जानते हैं भरतपुर को। मुख्य समस्याएं यहां पर कौन कौन सी है? ERCP का मुद्दा बहुत बड़ा था जिसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं कि मंजूरी मिल गई है, ये महत्वपूर्ण काम हो गया है, लेकिन और भी ऐसी गुंजाइश जो विकास की होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, जरा बताइएगा, क्योंकि जनसुनवाई में जनता भी बड़ी संख्या में पहुंचेगी अपनी समस्या लेकर। रवि, जब मुख्यमंत्री के जो ACS शिखर अग्रवाल है वो कल जब भरतपुर पहुंचे तो उन्होंने शहर का दौरा किया, दौरा करने के बाद उन सभी इलाकों को देखा, भरतपुर की सुजान गंगा नहर हो उसका निरीक्षण किया, भरतपुर के MHA कॉलेज और हीरा दास जो है उसका निरीक्षण किया, तो क्योंकि उनका एक यह है कि भरतपुर को एक नए स्वरूप में निखारा जाए। भरतपुर में जब मुख्यमंत्री भरतपुर से आते तो एक बिल्कुल कहीं ना कहीं भरतपुर को नई सौगात जो है वो मिले, और तो ऐसे में खुद ACS जो है शिखर अग्रवाल ने दौरा किया, उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसके बाद
नवरात्रि को जो मुख्यमंत्री के साथ सर्किट हाउस में चर्चा भी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरतपुर की अगर बात की जाए, भरतपुर का वो इलाका है जहाँ पानी की बड़ी कमी रहती है। ERCP जो एक जो मंत्री है, प्रदेश मंत्री हृदय तिवारी, उन्होंने कहा भागीरथी का एक नाम उनको दिया गया, क्योंकि एक बड़ी समस्या थी पानी की भरतपुर और पूरी पूर्वी राजस्थान में पानी को लेकर। अब वो समस्या दूर होने वाली है। कल मुख्यमंत्री जी से तमाम लोगों ने मुलाकात की और सबसे बड़ी बात है उद्योग धंधे जो ठप्प पड़े उसको लेकर भी चर्चा हुई है। अब थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद पूजा अर्चना करने का यह कार्यक्रम है, जिसके बाद फिर अन्य जो समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध जन, उनसे भी मुलाकात करने का भी कार्यक्रम। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, भरतपुर के किले में स्थित है, बेहद खास इसे माना जाता है, लोगों की आस्था बहुत जुड़ी है, और जब मुखिया यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरीके की तैयारी की है, क्योंकि इस बार जब वो पहुंच रहे हैं तो शायद मुख्यमंत्री के रूप में पहुंच रहे हैं, और कितनी देर तक यहाँ पर रुकेंगे, कैसे पूजा अर्चना होगी, ये भी बता दीजिए। देखिए, ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है, राज परिवार का मंदिर बताया जाता है, वरिष्ठ नेता मौजूद है मंदिर की अगर बात की जाए तो, प्राचीन मंदिर है, राज परिवार का मंदिर बताया जाता है। और क्या पुरानी आपकी कोई जानकारी हो इस मंदिर के बारे में? धारणा ये है कि जो वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर से उससे पूर्व असली मूर्ति यहीं पर है, नागाओं का मंदिर था और राज परिवार ने इसको संरक्षण दिया पूरा, मतलब ये कुल मिलाकर के भरतपुर की आस्था का केंद्र है, पूरे भरतपुर जिले की आस्था का केंद्र है, राज परिवार की आस्था का केंद्र है, और इस मतलब बहुत पुण्य का काम है। नागाओं की बहुत बड़ी छावनी थी किसी जमाने में या बिहारी जी के मंदिर के इस प्रांगण में, और पिछली बीजेपी की सरकार ने इसमें जो ये भव्य स्वरूप प्रदान किया है, पिछले वसुंधरा जी की सरकार ने इसको भव्य रूप प्रदान किया है, तो निश्चित रूप से इसकी वैभूति बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी आए, निश्चित रूप से उनकी आस्था है धार्मिक स्थानों में, धार्मिक स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा उपयोग राजस्थान में होगा और भरतपुर जिले को उसका लाभ मिलेगा। देखिए, आप देख सकते हैं बहुत भव्य मंदिर यहाँ बनाया गया है, क्योंकि पिछली जो वसुंधरा सरकार थी उन्होंने इसमें बजट दिया था, और बहुत शानदार मंदिर यहाँ बनाया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भरतपुर का जो ये मंदिर है बांके बिहारी जी का, इसको इष्ट देव माना जाता है भरतपुर के। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि पूनम जो नेताजी, उन्होंने बताया कि ये जो मूर्ति है बिहारी जी की मूर्ति है, जो वृंदावन में बिहारी जी हैं उनसे पहले की ये मूर्ति बताई जा रही है, कहीं ना कहीं ये बड़ी मूर्ति जो है, क्योंकि वृंदावन में भी बिहारी जी का मंदिर है, उनसे पहले की ये मूर्ति है, तो एक अनोखी इनकी छाप रही है। भगवान बांके बिहारी जी के मंदिर की सुबह परिक्रमा करते हैं लोग, उसके बाद जो सुजान गंगा नहर है उसके चारों तरफ